तो अभी हम निकल चुके हैं अपने सफर के रास्ते पर और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब ब्लॉग के टाइटल में आपको पता चल ही चुका होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो मास्क लगाना ज़रूरी है। ठंड हल्की हल्की सी लग रही है क्योंकि बाइक पर है अभी, तो चलते हैं अभी। और एक हमारे फ्रेंड हमारे साथ में है तो उनसे भी मिलाते हैं, उनके बारे में कुछ खास बात आपको बताएंगे, तो चलते हैं। तालाब के इस व्यू पॉइंट पे, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से नज़र आता है। आई थिंक हम आपको साफ दिख रहे हैं, अब हमारा मेकअप भी दिख रहा होगा, तो ये कुछ ऐसा सा नज़ारा है। हमने अभी इंटर किया है धुबेला के तालाब में, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में किसकी कमी नहीं है, आज के लोगों की कमी नहीं है, तो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए भाई और बहनों, ये आज के लोगों की कमी नहीं है। ये देखिए अंकिता वेट्स रवि भाई, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर भाई। आज की भाई इन जगह पे आज की रिजॉर्ट का नज़ारा देखिए आप, जहाँ पे बना हुआ है। चलिए आकाश से मिलाते हैं आपको। तो हम आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो भगवान ने इसको तो भेजा, लेकिन इसके अंदर मांस नहीं भेजा, हड्डियां भेजी हैं। हड्डियां भगवान को व्हाट्सएप पे बोला था, सॉरी दोस्त तुम्हारे साथ मैंने गलत कर दिया भाई। तो चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ आज हैं आकाश, नए नए प्रकार के दोस्त हम आपको दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हम चलते हैं। अभी हम इंटर कर चुके हैं धुबेला म्यूज़ियम के अंदर, तो यहाँ से अगर देखो तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अभी हम चलते हैं और देखते हैं अंदर कैमरा ले जाना अलाउड है कि नहीं। इसमें दिखाई देते हैं उल्टे भाई में ऐसे, और ये है हम, और ये में देखो भाई में चक्कर ही आ रहा है, हमें चक्कर आ रहा है, देख के ई साइड जाओ से ई साइड जा रहा है, ई साइड जाओ से ई साइड जा रहा है। ई में हम बहुत छोटे दिखाई जा रहा है, टिंगू टिंगू उनकी आकार ऐसे बने, देखो तो मैं ऐसे दिखाई अजीब प्रकार से ऐसे बनाए हैं, छोटे दिख रहे भाई जो अजीब ही है, हम दिखाई नहीं रहे हूँ मैं, ऐसे फैल गए हम बहुत ज़्यादा। ओ भाई जो तो भाई साहब लिटरली हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा मजाक, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम जैसे गए वहाँ पे कैमरा वर्जित, वहाँ पे लिखा हुआ था कैमरा के आपको 400 रुपये देने पड़ सकते हैं, तो हम लोगों ने रिस्क ना लिया और बिन कैमरे के घुस गए। और कोई बात नहीं, उन्होंने लोगों ने हमें तो वीडियो बनाने दी, लेकिन भाई ने आपके लिए थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने की कोशिश की है 2-4 बार,
तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग बगल में म्यूज़ियम के बगल में हम लोग आ चुके हैं मस्तानी महल। मस्तानी महल यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं है, अपन खूब दम से वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए मस्तानी महल उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं मस्तानी महल के अंदर, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जाता है। अभी हम इंटर कर चुके हैं मस्तानी महल में। भाई साहब ये क्या है? भाई साहब आज की यार इन जगह को तो छोड़ देते यार। देखो तुम पंकज संग तनु यानी क्या क्या लिखा है। कृपया ध्यान दें हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शक भाई, देख लो ये महल कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लो बस यही दिखाने को मिल रहा है आज। हमें इस बात का खेद है, अपना आशिक जताने आज की दिखाने वाला अड्डा बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या ये देखिए हम सिंगल है वरना हम भी यहाँ पे कुछ लिख कर जाते। हम जब नहीं खोलो भाई इसके अंदर चले। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। थोड़ा सा डर लगता हुआ इसको, सांप बिच्छू ना निकल पड़े। भाई साहब एक ऐसी जगह है जहाँ अंदर से थोड़ा थोड़ा डर, आस्की की यहाँ पे भी कमी नहीं है, लेकिन नीचे देखो नीचे को भाई साहब क्या गुफा है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या होता होगा, रानी यहाँ पे क्या करने आती होगी। ये हम आज अपनी राम प्यारी को याद कर रहे हैं, यहाँ पे भी आस्की मजा गई है। भाई साहब दिलीप यानी क्या यार, आप बताइए कमेंट में क्या हो सकता है कुछ महल में इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से हाँ ये बहुत ही गलत बात है, दीमक लगी हुई है, दीमक लग चुकी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे गई हुई हैं सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर चला जाएं। यहाँ पे क्या होता होगा कमेंट में बताएं। भाई साहब पूरे में यही है, इसे लव अड्डा घोषित कर देना चाहिए। ओ भाई तनु फिर से दूसरी बार हमने नाम पढ़ा है तनु का। ये देखिए दिख रहा है आपको तनु राज। भाई साहब महल का नज़ारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो शांत वाली जगह है, तो अगर आसिक लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है तो समझ जाएं शांति वाला जगह है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही महल बनाया किस डिजाइन के लिए गया। रानी यहाँ पर घर घर खेलती होगी। हाँ उस हिसाब से ये हमारा कमरा है, वो राजा जी का कमरा है, यहाँ पे हम खेलेंगे घर घर, वो पापा जी का कमरा है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ छोटी सी छत है यहाँ पे, रानी घर घर खेलती होगी तो अपने राजा के कपड़े सुखाने डालने जाती होगी। हम पहुंच चुके हैं इस महल की ऊंचाइयों पर, म्यूजियम का व्यू आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमें वहां पर अंदर नहीं जाने मिला, वीडियो बनानी मिली, बाकी जाकर तो हम आकर आए हैं। यहां से कूद जाएंगे तो हमारी हड्डियां नहीं मिलेंगी। म्यूजियम का व्यू ये यहां से इस तरीके से, कोई बात नहीं हम चलते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम एक भी है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसके कारण से वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ देखने को ना मिलती, तो हमें अभी पैसे देना वर्थ नहीं लगा। वो कह रहे थे कि अभी अभी जस्ट 20 दिन बाद ये फिर से खुलेगा, जैसे ही 20 दिन बाद फिर से खुलता है तो फिर से आते हैं, फिर से एक्सप्लोर करते हैं। वैसे भी क्या फ़ायदा बताओ, यहाँ तक आए और आपके लिए ब्लॉग बनाया और
तो अगर आपको पूरी चीज़ें देखने को ना मिलें तो क्या फ़ायदा है ऐसे ब्लॉग का। फिर कोई बात नहीं, हम अगली बार आएंगे तो ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे सारी की सारी चीज़ें। मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगला पार्ट आने का वेट करो, सब्सक्राइब भी कर लेना यार, बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक आने में। अभी हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ महल वहल वगैरह हैं, वो देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको भी वो दिखाए जाएँ। ठीक है। ओ भाई आज की देखो भाई, आज की मजाई जा रही है। देखो भाई आज की मजा जा रही है, आज की मजा जा रही है, दिख रहा है आपको आज की। एक और गुफा। भाई साहब डर का माहौल, इसके अंदर कदम बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक।